हमारा देश विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, और इस प्राचीनतम संस्कृतियों में ऐसी कई परंपराएं हैं, ऐसे कई रीति रिवाज हैं जो आप सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर देंगे। इस वीडियो में हम ऐसे ही प्राचीनतम परंपराओं और रीति रिवाजों को लेकर आए हैं जिनको देखकर आपके एक्सप्रेशन कुछ ऐसे हो सकते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं हम अपने वीडियो को। मेरा नाम है रामकृष्ण प्यासी, आप देख रहे हैं क्लास 10th जी की क्लासेस। तो चलते हैं, चलिए दोस्तों, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, बढ़ते हैं फैक्ट नंबर एक की ओर। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, हमारे ही भारत देश में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मेंढकों की शादी की जाती है। वो इनकी प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मेंढकों की शादी करने से उनके यहाँ बारिश होती है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। कई स्थानों पर होती है, लेकिन ये प्रमुख रूप से असम के जोरहट ज़िले के गाँव में मनाने का ढंग है। अगर पारंपरिक हिंदू विवाह में जंगली मेंढकों की शादी की जाती है तो इससे लंबे समय तक सूखे का अंत होता है और कुछ दिनों के भीतर ही बारिश होती है। इसमें पुजारी भी शामिल होते हैं और जैसे इंसानों की शादी होती है उस तरह से पूरी रीति रिवाजों के साथ शादी होती है। पढ़ते हैं दूसरे फैक्ट की ओर, जलते हुए अंगारों पर चलना। जी हाँ, हम थोड़े से भी हाथ पर आग का टुकड़ा गिर जाए तो हम जल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर की मान्यता है कि जलते अंगारों पर चलने पर माँ देवी प्रसन्न होती हैं। और देखते हैं यह कहाँ पर मनाया जाता है। तमिलनाडु में लोकप्रिय तिमिथी नामक त्यौहार भारत की सबसे विजित परंपराओं में से एक है। जी, तमिलनाडु का यह क्षेत्र है जहाँ पर जलते अंगारों पर लोग चलते हैं, और इनके अलावा यह विदेशों में तक प्रसिद्ध है। जी हाँ, तमिलनाडु का ये जो संस्कृति है वो विदेशों में और भारत के और कई हिस्सों में भी प्रचलित है। बढ़ते हैं फैक्ट नंबर तीन की ओर, गड़बड़ा एकादशी। गड़बड़ा एकादशी गुजरात में गड़बड़ा नामक एक क्षेत्र है जहाँ पर लोग अपने बैलों को, अपनी गाय माता को तैयार करके उन्हें अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र जो सजा कर लाते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं, उनको ऐसे तैयार करके लाते हैं। और जहाँ गांव के सभी लोग, जो लोग इस चीज़ में, इस मेले में भाग लेना चाहते हैं, वह एक स्थान पर लेट जाते हैं और उनके ऊपर से कई सारी गायों को छोड़ा जाता है। ये यहाँ पर पूरी उसके बारे में जानकारी है। इसकी एक तस्वीर और देखते हैं, देख लीजिए, ये लोग लेटे हैं, इनके ऊपर से ये गायें जा रही हैं। पढ़ते हैं फैक्ट अगले की ओर। जी, आप जो ये घड़ी देख रहे हैं ये उल्टी चलती है। गौड़वाना टाइम्स यानी मंडला में जो गौड़ जनजाति रहती है वहाँ पर घड़ी उल्टी चलती है। इसका कारण जब हम लोगों ने पता किया तो इसका कारण यह था कि वह मानते हैं कि जिस दिशा में पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाती है और स्वयं के अक्ष पर घूर्णन करती है, घड़ी को भी उसी क्रम में चलना चाहिए, और इसी आधार पर वहाँ की घड़ी उल्टी दिशा में चलती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे की बताने जरूरत नहीं है, इसके बारे में सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। साथ ही हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया की सभी घड़ियों की सुइयाँ हमेशा बाएं से दाएं की ओर चलती हैं, लेकिन यहाँ पर दाएं से बाएं की ओर चलती हैं क्योंकि सूर्य के हिसाब से यहाँ की घड़ी चलती है। आगे बढ़ते हैं सबसे खतरनाक फैक्ट की ओर। जी, बच्चों को हवा में फेंकना। एक स्थान ऐसा भी है जहाँ पर लोग बच्चों को 50 फीट ऊपर से नीचे फेंकते हैं, अपने खुद के ही बच्चों को उनके पिता पकड़कर नीचे फेंकते हैं। वह स्थान के बारे में जान लेते हैं, यह महाराष्ट्र के सोलापुर, महाराष्ट्र के जो सोलापुर स्थान है वहाँ पर, कर्नाटक सोलापुर स्थान और कर्नाटक के संतेश्वर मंदिर में ये अजीबोगरीब मान्यता है। यह 700 साल से यहाँ पर यह परंपरा जारी है और 50 फीट की ऊंचाई से बच्चों को नीचे फेंका जाता है और उन बच्चों को नीचे लोग बच्चों को चादर फैला कर खड़े होते हैं और जिसमें बच्चा गिर जाता है और वह बच जाता है। लोगों नीचे चादर पकड़ खड़े होते हैं, इसको कुछ गलत अर्थ में ना लें। इसके बाद पढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर, कि सिर पर नारियल फोड़ना। जी, एक स्थान ऐसा भी है कि जहाँ पर सिर पर नारियल फोड़ा जाता है। पत्थर कितना कठोर होता है, पत्थर से तक फोड़ने पर वह नहीं फूटता, यहाँ पर सिर पर नारियल रखकर फोड़ा जाता है। अब देखते हैं इसके बारे में जानकारी है कहाँ पर मनाया जाता है। तो देखते हैं, नारियल फोड़ा जाता है भक्तों के सिर पर नारियल फोड़ा, दरअसल ये तमिलनाडु के एक मंदिर में होता है। अधिकांश ऐसी जो परंपराएं हैं वो तमिलनाडु में ही प्रसिद्ध होती हैं। देख रहे हैं यहाँ पर नारियल सिर पर ही फोड़ा जा रहा है और कई बार खून के
खून रोकने के लिए और घाव के लिए मंदिर के पुजारी भक्तों के सिर पर हल्दी और अगरबत्ती की राख लगाते हैं, यानी कई बार उनको घाव भी लग जाते हैं। अगली चीज़ की ओर बढ़ते हैं, लठमार होली। जी सही देख रहे हैं आप, यहाँ पर सभी पत्नियाँ डंडा लेकर खड़ी होती हैं और सारे पति ढाल लेकर खुद का बचाव करते हैं और सभी पत्नी अपने पति के सिर पर वार करती हैं और वह ढाल से अपना बचाव करती हैं। आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं। यह कहाँ मनाया जाता है? यह मथुरा जिले के नंदगांव और बरसाने कस्बों में होली मनाई जाती है और यह एक विचित्र ढंग से मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, केले के पेड़ से शादी। केले के पेड़ के अलावा यह मान्यता कई जानवरों से तक प्रचलित है। हमारे देश में मांगलिक दोष को बुरा माना जाता है, जिसके तहत पीपल के पेड़, केले के पेड़ या फिर अन्य किसी जानवर के साथ विवाह कर किया जाता है। इसके लिए आगे जानकारी हम देखते हैं कि अगर कोई मांगलिक विवाह कर लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित, यह हमारे यहाँ की संस्कृति में माना जाता है। और इसके हम एक तस्वीर और बताते हैं जहाँ पर जानवर शादी होती है। जी आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर कुत्ते के साथ विवाह किया जा रहा है इस महिला का। तो इस प्रकार की मान्यताएं भी हमारे देश में प्रचलित हैं। पूर्ण रीति रिवाज के साथ वह विवाह होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित हमारे महाकाल, उनके स्थान पर उन्हें मदिरा का भोग लगाया जाता है, यानी शराब का भोग लगाया जाता है। यह भी हमारे देश की एक पुरानी सांस्कृतिक मान्यता है, जिसके अनुसार हमारे भोलेनाथ को मदिरा का भोग लगाया जाता है, यह प्रसाद के रूप में बढ़ता भी है। आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट्री और यहाँ पर लोग अपने बच्चों को दफना देते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे शरीर के साथ दफना दें, उनका सिर बाहर निकला रहता है, गले तक ही सिर्फ बच्चों को दफनाते हैं और यह 6 घंटे तक होती है। उनकी मान्यता यह होती है कि इससे बच्चे निरोगी होते हैं और इनके लिए कोई भी रोग वोग इन सबसे वह विमुक्त रहते हैं और उन्हें यह रोग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो ख़त्म होता है। देखते हैं कि वर्तमान में कोरोना का संकट बहुत ही बुरी तरीके से फैल रहा है, तो हमें अपनी सुरक्षा रखनी और इस कोरोना वायरस को हमारे देश से भगाने में आप सबका सहयोग चाहिए। वैक्सीन का समय हो, जब वैक्सीन लगवाएं, सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगाएं और लोगों से सबसे बड़ी बात दूरी बनाए रखें, कहीं बाहर ना जाएं, हाथ धोते रहें। इसके बाद दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 10th एंड जी के क्लासेस, जहाँ पर हम आप सभी लोगों को इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।